तो दोस्तों ये है अग्नि परीक्षा एक यानी कि टेस्ट एक। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 170। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस होंगे? 120। बाकी 50 क्वेश्चंस होंगे हिंदी, इंग्लिश, HPG के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे इस टेस्ट की। इनफैक्ट आपको 21 तारीख को युद्ध करना है काफ़ी बड़ा, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ऐसे 5 टेस्ट हैं अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो। दोस्तों आपके लिए ऑफर है, सिर्फ 99 रुपये में 5 टेस्ट मिल रहे हैं। और ये टेस्ट ऐसे वैसे नहीं होंगे, ये टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड, हाई लेवल एज वेल एज लो लेवल क्वेश्चंस। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सीधा व्हाट्सएप करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। तो अच्छे से तैयारी करिए, खुद को टेस्ट करिए। अब समय बहुत ही कम है, आपको जी जान लगानी है और फतेह करनी है। जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, 170 क्वेश्चंस हैं, मार्क्स होंगे 85, समय मिलेगा 2 घंटे, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके, मेरी स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि दोस्तों 170 क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत ही टफ है, लेकिन मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, इन फ्यूचर भी करता रहूँगा। बस जुड़े रहना हमारे साथ। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन आउटपुट डिवाइस, आंसर होगा टच स्क्रीन। बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर रोम। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी स्पेशल फंक्शन कार्ड्स। लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज जावा। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज डिजिटल डाटा। अ स्ट्रिंग ऑफ 8 0s and 1s इज कॉल्ड बाइट। एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट इज करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कॉल्ड डिबगिंग। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। वन हु डिजाइंस राइट्स टेस्ट एंड मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड फिक्सेस। टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड कीबोर्ड। अनसोलिसिटेड ईमेल इज कॉल्ड अ स्पैम। वट इज अ मॉडम कनेक्टेड टू फोन लाइन। कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंड इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स। फोरट्रान इज यूजफुल इन विच सेक्टर? साइंटिफिक पर्पस। सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली फाउंड इन मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज वेरी हाई। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज यूजुअली मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़। सो हियर डी इज राइट आंसर। सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन दी मदरबोर्ड। द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू कैन बी मेजर्ड बाय क्लॉक स्पीड। व्हाट इज अ रजिस्टर? सीक्वेंशियल सर्किट। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस इन कंप्यूटर फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड। एन ऑप्टिकल माउस यूज्ड LED।
दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड. वट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा. इनपुट डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस ग्राफिक आउटपुट्स. प्लॉटर कंटिन्यूअस लाइन ड्राइंग आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग प्लॉटर्स. बट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्लेस. प्लाज्मा एंड एलसीडी. कमेंट करके बताइएगा एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस. विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर. चेन प्रिंटर. रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ डॉट्स पर इंचेस. विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग. लेजर प्रिंटर. प्लॉटर्स प्रिंट विद बॉल पॉइंट पेंस, विद इंक पेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिकली. ऑल ऑफ दीज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स. वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ड कॉपी. इन कलर यू वुड यूज अ एन प्लॉटर. यूएसबी पोर्ट कम्स अंडर पैरेलल पोर्ट. सीरियल पोर्ट ए इज राइट आंसर. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फास्टेस्ट पोर्ट देन इट इज फायरवायर पोर्ट. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल पोर्ट 8 bits ट्रांसफर एट ए टाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी. इमेजिंग ग्राफिक्स वॉइस. हेयर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज. कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड रोम. 3-bit बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्टल नंबर्स. द बाइनरी कोडेड डेसिमल दैट इज BCD यूजेस 4 bits. टेक्स्ट एडिटर इज an सिस्टम सॉफ्टवेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटीज विल इरेज अनवांटेड फाइल्स. डिस्क क्लीनअप. वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इज रेफर्ड एज वर्ड प्रोसेसर. सूडो कोड इज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश टू कम्युनिकेट द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम. ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. और जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो होता है सोर्स कोड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम. हाई लेवल लैंग्वेज. द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर नोन एज सिंटैक्स एरर्स. विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैन कंबाइन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स. लिंकर. नोटपैड इज अ टाइप ऑफ विच सॉफ्टवेयर. फ्रीवेयर. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर. एडोब एक्रोबैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट. द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी. हार्ड डिस्क. ऑपरेटिंग सिस्टम कैनॉट बी वर्कड एज ए
कम्युनिकेशन मैनेजर, अ फ्रंट एंड प्रोसेसर इज यूज्ड इन टाइम शेयरिंग, यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम दैट इज डी इज राइट आंसर. पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ एंड्रॉयड आर ऑल्सो कॉल्ड हनीकॉम्ब, एंड्रॉयड 3.0. एमएस डॉस इज यूजुअली सप्लाइड ऑन अ फ्लॉपी डिस्क. फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज पॉल एलन, बिल गेट्स, बोथ ए एंड बी. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. अ मेन्यू इन एमएस विंडोज कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स. व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर? अ फाइल मैनेजर. डी इज राइट आंसर. डॉट टीएक्सटी फाइल्स कैन बी मेड इन ऑल ऑफ दीज, दैट इज नोटपैड, एमएस वर्ड, वर्डपैड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फोल्डर व्यू? बी इज राइट आंसर. कैस्केड्स. विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम? सी इज राइट आंसर. अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू टाइप अ स्टोरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल प्रोग्राम इन एमएस ऑफिस? पेंट आर्ट. क्योंकि ऑफिस आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट ये अवेलेबल होते हैं, इसलिए डी बिल्कुल सही होगा. द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज लेटर. इन एमएस वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द डाटा सोर्स. इन एमएस वर्ड मेल मर्ज कमांड इज अवेलेबल अंडर टूल्स मेन्यू. इन एमएस वर्ड फ्रेम कैन इंक्लूड ग्राफिक्स, टेक्स्ट, टेबल्स, ऑल ऑफ दीज. ग्राफिक्स इन एमएस वर्ड इज इंसर्टेड इन बॉक्स, पेज, फ्रेम. सो डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज. थिसोरस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर सिनोनिम एंड एंटोनिम्स वर्ड्स. कमेंट करके शॉर्टकट की बताइएगा थिसोरस के लिए. विच प्रोग्राम इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग्स? स्पेल चेक. विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट्स ऑन एमएस वर्ड? सेंटर्ड इज राइट आंसर. ड्रॉप कैप इज अ फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड दैट अलाउज यू टू इंसर्ट अ नॉर्मल कैपिटल लेटर, नॉर्मल स्मॉल लेटर, फैंसी स्मॉल लेटर. यानी कि डी इज राइट आंसर. द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज ए ऑप्शन इज राइट आंसर. इन एमएस एक्सेल ईच शीट इन अ वर्क बुक इज डिस्प्लेड एज टैब. इन एमएस एक्सेल द कंटेंट्स ऑफ द सेल जो कि एक्टिव होता है आर डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार. सिनेरियो मैनेजर इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, क्रिएट डाटा, डिटरमाइन डिफरेंट प्रोजेक्टेड आउटकम्स ऑफ डाटा. यानी कि ऑल ऑफ दीज. अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल इज फंक्शन. विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन एमएस एक्सेल प्रोड्यूस? लाइन चार्ट, पाई चार्ट, वार चार्ट, दैट इज ऑल ऑफ दीज. प्रोजेक्टर कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, शो.
बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज प्रेजेंट इन MS PowerPoint? बी ऑप्शन स्लाइड सॉर्टर व्यू। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट। आउटलाइन व्यू। पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डाटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ MS Office? इक्वेशन एडिटर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फोटो एल्बम, ऑल ऑफ दीज। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज 400%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? MySQL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर? डाटाबेस 2000। बाकी अगर मैं डीबेस की बात करूं, फोक्स प्रो की बात करूं और ओरेकल की बात करूं तो ये प्रमुख डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। रेडेंसी इज डेंजरस एज इट इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू डाटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। दैट इज डी इज राइट आंसर। इन MS एक्सेस ऑटो नंबर डाटा टाइप कैन बी सिक्वेंशियल एज वेल एज कैन बी रैंडम। सो हेयर डी इज राइट आंसर। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज ARPANET। कमेंट करके बताइएगा किस ईयर ARPANET जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वट इज द मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी इन MBPS ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल? यह है दोस्तों 1000 MBPS। बैंक्स ATM फैसिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। द टोपोलॉजी विद हाइएस्ट रिलायबिलिटी इज मैश टोपोलॉजी। फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज फिजिकल लेयर। द रेंज ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज फ्रॉम 0 to 255। इंटरनेट वर्क्स ऑन पैकेट स्विचिंग। हु इज फादर ऑफ विकिपीडिया? जिमी बेल्स। विच वॉज द फर्स्ट बिग सर्च इंजिन? लाइकोस। वाईफाई यूजेस रेडियो वेव्स। जावास्क्रिप्ट रन्स ऑन नेटस्केप जो कि वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि एक वेब ब्राउजर है। डी इज राइट आंसर। अगर यहाँ पे फायरफॉक्स होता तो वो भी इंक्लूड हो जाता, लेकिन यहाँ पे मोजिला लिखा गया है। मोजिला तो कंपनी है जो कि फायरफॉक्स को डिज़ाइन करती है, इसलिए ये एक वेब ब्राउजर नहीं होगा। द मेन गोल्स ऑफ सिक्योर कंप्यूटिंग इज, तो ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, फाइल वायरस attaches itself to the source file. Trend Micro is a antivirus software. Logical addition refers to operation of OR gate. Software design is process and model. So C is right answer. An array of character is known as string. Which file starts MS Word? binword.exe. Which input device cannot be used to work in MS Office? Joystick. Background color or effects applied on a document is visible in web layout view, print layout view, full screen reading view. D is right answer. कमेंट करके बताना अगर मैं बैकग्राउंड कलर की बात करूं, इफ़ेक्ट्स जो कि अप्लाई किए हैं वो कहाँ विजिबल नहीं होते, उस व्यू का या फिर प्रीव्यू का नाम बताइएगा कमेंट करके। विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल इन MS Word? यहाँ पे एप्लीकेशन को
बंद करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ फाइल क्लोज करनी है हमने। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, क्लोज। इन एमएस वर्ड आरटीएफ स्टैंड्स फॉर वर्ड में जो कि टेक्स्ट बेस्ड फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऑन हाउ मैनी डॉक्यूमेंट्स यू कैन वर्क सिमल्टेनियसली इन एमएस वर्ड, तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर्स, क्लिप आर्ट। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप 5 ऐसे ही टेस्ट परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। अब हम जीके या फिर अदर जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उनको देखने वाले हैं और लास्ट में कट ऑफ भी बताई जाएगी आपको। तो अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, खुद अटेम्प्ट करिए हर एक क्वेश्चन को। हड़प्पियों मृदुभांड का कौन सा प्रकार अपने आप में विश्व का प्रारंभिक उदाहरण है, तो यह है चमकीला। ऋग्वेद काल के लोग किस हेतु इंदिरा से प्रार्थना आवाहन करते थे, भौतिक सुविधा तथा विजय के लिए। अशोक के पुत्रों में से केवल एकमात्र एक पुत्र थे जिसे लेखों में उसके नाम से दर्शाया गया है, महेंद्र। विच सुल्तान मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द उलेमास, मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी मृत्यु के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ, सालूब नरसिंह इज राइट आंसर। ऑल मेंबर्स ऑफ दी अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी वर ब्राह्मण्स एक्सेप्ट, सेनापति, डी इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश वॉज द फर्स्ट वन टू बी फोर्टिफाइड, मद्रास। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। पृथ्वी के करोड़ का व्यास कितना है, तो 6920 किलोमीटर। द टेम्परेट साइक्लोन्स मूव इन ईस्टरली डायरेक्शन, यानी कि पूर्वी दिशा में। विच अमंग द इनलैंड सीज एंड लेक्स हाइएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड, डेड सी। ऑल एनिमल्स हु टेक देयर फूड थ्रू देयर माउथ आर कोल्ड, होलोजोइक। द टर्म रेगूर रेफर्स टू, ये होती है ब्लैक कॉटन सोइल्स, सी इज राइट आंसर। द बुशमैन आर फाउंड इन कालाहारी डिजर्ट, ये दोस्तों आप कह सकते हैं एक जनजाति होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस इज रिगार्डेड एज द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोल। एयर एम्बुलेंस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलियन एयरवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फॉर्म्स द वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती, तो ये सतपुड़ा रेंजेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा, तीस्ता। कमेंट करके बताइएगा तीस्ता जो है किस नदी की सहायक नदी है। अलमत्ती डैम इज बींग बिल्ट अक्रॉस द रिवर, किस नदी के ऊपर बन रहा है ये, कृष्णा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स इज पॉपुलरली नोन एज इंडियन कॉर्न, भारतीय मकाई, मक्का, मेज। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल इज, जो भी प्रधानमंत्री होगा। हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेजिडेंट
फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, तो इसको हम पार्लियामेंट या फिर संसद बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग jurisdictions ऑफ द इंडियन जुडिशरी कवर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL वगैरह जो डालते हैं ये appellate jurisdiction में आती है। डिस्ट्रिक्ट जजेस इन आ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंकरेंट लिस्ट। इन RMSA स्कीम गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बाय द ईयर, तो इसका टारगेट क्या रखा गया है, 2017। द प्लेस वेयर बैंकर्स मीट एंड सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम्स एंड अकाउंट्स इज नोन एज, तो इसको क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लेवेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये होता है प्रोफेशन टैक्स, बाकी सारे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही लेवी किए जाते हैं। द ब्लैक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सेल्फ डिपेंडेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हेल्प्स इन फ्रूट रैपनिंग, तो ये होती है एसाइटिलीन। केमिकली सिल्क फाइबर्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन। द विटामिन विच इज जनरली एक्सट्रैक्टेड या फिर एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन इज विटामिन सी। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नॉर्मली अराउंड 7.35 to 7.45। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो K के दाएं से सातवें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, तो ये D होगा। केयरिंग को लिखा जा रहा है इस तरीके से, शेयर्स को लिखा जा रहा है इस तरीके से, कैस्केट कैसे लिखा जाएगा, EDWIBP। करंट अफेयर्स आएंगे 5 से 10 क्वेश्चन, आपको खुद पढ़ने हैं, पिछले 6 महीनों के पहले पढ़िएगा, एक्स्ट्रा टाइम है तो 12 महीनों के भी पढ़ लेना। इन विच ईयर अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 1996। कमेंट करके बताइएगा कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए या फिर कितने सालों के लिए रहे थे ये PM। मणिमहेश झील जो है कहाँ पे है, चंबा में। मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, सोलन में। दी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, 1971। गग्गल एयरपोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, कांगड़ा में है। मीनिंग ऑफ द idiom क्रोकोडाइल टीयर्स, हाइपोक्रिटिकल टीयर्स, एंटोनिम फाइंड आउट करना है इनऑपोर्चून का, तो सबसे पहले इनऑपोर्चून जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ टाइम से ना हो, अनसुटेबल हो, तो उसको हम इनऑपोर्चून बोलते हैं, तो इसका एंटोनिम बन जाएगा टाइमली और सुटेबल। द राइटर एक्यूजेस द नेशनल गवर्नमेंट डैश रिजोर्टिंग टू वायलेंस, तो एक्यूजेस के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। शुद्ध शब्द आपको यहाँ पे चुनना है, तो उत्कर्ष ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊंची दुकान फीके पकवान कहावत का अर्थ क्या है, सिर्फ तड़क भड़क होना। सुरेश इसका सही संधि क्या बनेगी, सुरेश गुण संधि है। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो थे ये नॉर्मल थे, ना टफ थे ना हाई थे, तो अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस 120 में से आपने 80 भी ठीक किए होंगे तो आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। GK हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह जो था टफ था, 50 में से अगर आपने
30 क्वेश्चन भी सही किए होंगे, तो दोस्तों आप अच्छा जा रहे हो, तो 80 और 30 हो गए 110। अगर 110 से ऊपर आपका स्कोर है लिख कर ले लो, आपका ये एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा, टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देना। अगर 100 आपका स्कोर है तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आपके पास टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। अगर आपका स्कोर 80 से नीचे है दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, लेकिन कभी भी होप नहीं छोड़नी है, कोशिश करते रहना है। अगर आप ऐसे 5 टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके परचेज कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।